खुश हैं। मैं सही बताऊं, अगर कोरोना नहीं होता ना, मैं गांव गांव से आप सबको अयोध्या में जरूर बुलाता। प्रार्थना करिए भगवान से एक कोरोना से जल्दी मुक्ति मिले। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किस रूप में काम हुआ, किस रूप में कार्य हुआ। एक एक व्यक्ति को राशन देने की व्यवस्था हो, उसको स्वास्थ्य की सुविधा देने का कार्य हो, प्रशासन ने, कोरोना वॉरियर्स ने, समाज के प्रत्येक तबके ने, हर समाज के लोगों ने जिस रूप में आगे आकर काम किया, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं। और उत्तर प्रदेश देश में आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद सबसे बेहतर परिणाम देने वाला राज्य भी कोरोना में उत्तर प्रदेश ही है। भाइयों बहनों, ये सब आपके कारण संभव हो पाया है और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, मेरी अपील होगी आप सबसे कि जब तक दवाई और वैक्सीन नहीं आ जाती हमारे पास, तब तक दो गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन हम जरूर करें। स्वर्गीय बीरेंद्र सिंह सिरोही जी आपके नेता थे, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, पूरा जीवन समाज के लिए और पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने जो कहा, हमारे सांसद और विधायकों ने जो कहा, हमने बुलंदशहर के लिए वो किया। बुलंदशहर में कोई सोचता था, आज मेडिकल कॉलेज भी बुलंदशहर में बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, बुलंदशहर के लिए मेडिकल कॉलेज, चीनी मिल बंद हो गई थी, सपा सरकार बंद कर चुकी थी, चीनी मिल की शुरुआत श्री सुरेश राणा जी ने सिरोही जी के और यहां के माननीय सांसद और विधायकों के कहने पर प्रारंभ कर दी है। अमृत योजना में बुलंदशहर के विकास की परियोजना को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो ही रहा है। लेकिन भाइयों बहनों,